They are taught scenario 3. Teaching of history in school boards all over Maharashtra has a single prescribed textbook on Shivaji. Teachers from the schools in Bombay have expressed great difficulty in controlling emotions. One of them has said, the schools which have an active enrollment of Muslim students. I rushed through the chapter on Afzal Khan and Shivaji's confrontation. It is a politically and socially loaded connotation. I can't meet eye to eye with my Muslim students, so I start my chapter with an apology. There are many Afzals in my class, says this teacher, teaching in class 6. I begged and I pleaded, don't make it about us and them. Our children are not vote banks. But nobody heard me. मैंने आज महोदया जिस कमेटी ने इन सारे किताबों का निरीक्षण किया, इन किताबों के खिलाफ उस वक्त की सरकार में एनसीईआरटी ने धावा बोलकर कहा ये किताबें मत बांटिए. एनसीईआरटी की बात को माना नहीं गया. वो एनसीईआरटी हमारी नहीं थी, हमारी सरकार की नहीं थी. जिस कमेटी ने इन किताबों को और इसके पीछे की पूरी वारदात को स्टडी किया, आई एम कंपेल्ड टू से वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स इज अ मुस्लिम वाइस चांसलर अपॉइंटेड टू हिज पोस्ट एज प्रपोज बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. An income tax officer who served under the Congress government, now Supreme Court lawyer. I did it so that I not be accused of politicizing something which should be a matter of concern for every Indian citizen, every parliamentarian. And what do those people say about the books that they read? This committee fails to understand as to what and whose purpose is this trust serving. By quoting from Pakistani authors writing pertaining to education of Indian students to an impressionable mind of a standard 6 student. This committee was enraged when the name suggested an intention and action, Allah's army in Pakistan, Hindutva hell in Hindustan. Madam Speaker, I have not shied away from answering any question in this house or the other. My plea is this. Across universities, when Vice Chancellor said we want to raise our flag proudly, they were condemned. Mr. Gandhi went to Uttar Pradesh and said, sare ke sare VCRSS wale hain. Shayad unko pata nahi hai ki aaj bhi is sarkar mein सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में से 20 ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया. 16 वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया. आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी. इसी सदन में शायद आज सोनिया जी नहीं है, उनको नहीं बोल सकती, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय. प्रश्न ये उठता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना, जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो,
आज मैंने देखा जैसे पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज. सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा भाषण है, मैं भी सराहना करती हूँ, तो सोनिया जी, राहुल जी, दे वर लाइक कंपेल्ड, दे शुड, वी ऑल शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. शुक हिज हैंड. आई ओनली विश्ड द डॉक्टर बोस वॉज हियर टू गिफ्ट देम अ बुक कॉल्ड डेड रेकनिंग बाय शर्मिला बोस. हु इज शर्मिला बोस? डॉक्टर बोस इज सिस्टर, अ रिनाउंड हिस्टोरियन. एंड इन द डेड रेकनिंग शी राइट्स दैट द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वॉज अ फैलेसी. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था. इसलिए मेरा आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है. वेंकैया जी ने जो कहा कि कई बच्चों की मृत्यु हुई, 2012 में ही रेगुलेशन बना था यूजीसी का कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हो. हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाकर आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर कैंपस में होगा. हमने जुडिशियल कमीशन बनाया. उन बच्चों को तो न्याय नहीं मिला जिन्होंने प्राण त्यागे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हमने पक्षपात की राजनीति नहीं की. हमने कहा न्याय हो, दोषी जो है उसको सूली पर चढ़ाओ. हमने जुडिशियल कमीशन बनाया, एहसान नहीं किया, न्याय किया, कोशिश की. ये कोशिश मैं हर दिन करती हूं. मेरा आग्रह है सबसे कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो जेएनयू के कुछ भटके हुए छात्र तो क्या नारा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बादी की कगार पर वो राजनीति ले जाएगी जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है. इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां न्याय है उस न्याय को अपना काम करने दो, जहां पुलिस है उस पुलिस को अपना काम करने दो. आज मैं आह्वान करती हूं, अगर राहुल गांधी स्वयं मुझसे कहते कि स्मृति ईरानी चलिए हम दोनों मिलकर जेएनयू के छात्रों को कहे कि जिस भारत की बर्बादी के तुम नारे दे रहे हो, जिस तिरंगे को लहराने से तुम्हें शर्म आती है, उसी जेएनयू के कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सरहद पर अपने प्राणों को त्यागा ताकि तुम आजाद हिंदुस्तान में बर्बादी के नारे दे सको. लेकिन राहुल जी ने ऐसा नहीं किया. मेरा आप सबसे आग्रह है कि जहां जहां आपको लगता है चुनौती है, आज आपने कहा SC ST के बच्चे फैकल्टी होनी चाहिए, यही निवेदन मैंने सभी वाइस चांसलर से किया. मैंने आई हैव माई सेल्फ रिक्वेस्टेड टू एवरी वाइस चांसलर दैट लिसन टू ऑल चिल्ड्रन. एवरी यूनिवर्सिटी विच फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिसन टू चिल्ड्रन, फॉर दे कम विद देयर इमोशनल लेगेसीज and their social challenges, and it is incumbent upon us to provide them refuge and a productive life. My request is help me build this nation and not destroy it from within. Thank you, Madam Speaker.